गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू एंड होप यू आर वेल सो लेट लेटस गो फॉर द डेली वोकैबलरी सेशन थर्टी सेवन आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिस बाई सर और गाइज आज हम uh, करने जा रहे हैं समथिंग मोर समथिंग फेंटेस्टिक बेसिकली तो इसी से वर्क शुरुआत करते हैं हमारी आज की कोटेशन अगर आप देखेंगे तो कोटेशन है बच्चों नो फैमिली इज परफेक्ट वी आर ग्यू वी फाइट वी इवन स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर बट इन द एंड बट इन द एंड फैमिली इज फैमिली द लव विल ऑलवेज बी देयर करेक्ट गाइज तो सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है जी आई एम फाइन थैंक यू रूबी रूबी नीतू रीना नेहल सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग जी प्रीति गुड मॉर्निंग तो बच्चों चलिए आज का वर्ड लेते हैं एक्टिविटी टाइम में सबसे पहले ट्राई एंड लर्न वर्ड है सॉन्ग हैड अ सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड बेसिकली हम देखें तो इस वर्ड में स्पोरिफिक का सोपोरिफिक का मीन्स यहां पे पूछा गया है तो सभी बच्चे देखेंगे इसको और आंसर करेंगे कि सोपोरिफिक का मीन्स होता क्या है सो एज अ क्वेश्चन वी सी हेयर द सॉन्ग हैड अ सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड तो बच्चों बताओ सोपोरिफिक का अगर मैं कहूं तो यहां पे आप सिनोनिम देखेंगे सिमिलर मीनिंग तो सिनोनिम्स आपको देखने हैं बेसिकली टेन क्वेश्चन में फर्स्ट में तो देखो जरा सॉन्ग हैड सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड क्या मींस बनेगा बच्चों सोपोरिफिक का आंसर कीजिए सब लोग वॉट शुड बी द आंसर जी एवरी वन यस बच्चों बताइए वॉट शुड बी द आंसर डी बी ओके ठीक है ए आंसर सब बच्चे देखेंगे सोपोरिफिक अगर मैं कहूं तो ऐसा होता है जो नींद दिलाने वाला होता है इसको हम कहते हैं एक तरह से इसको हम बच्चों कहते हैं नींद दिलाने वाला नींद को इंड्यूस करने वाला तो सुदिंग टेरिफिक या सुप्रीम नहीं बल्कि डी बनेगा स्लीप इंड्यूसिंग है ना होता है ना हमें गाना सुनकर नींद आ जाती है तो वो स्लीप इंड्यूसिंग होता है उसको तो सोपोरिफिक कहते हैं तो सोपोरिक का मीन्स होता है एक तरह से नशेकारी इन टॉक्सिकेटिंग इंटॉक्सिकेटिंग जैसे बच्चों अगर हम बुक्स पढ़ने लगे रात को उठ के बुक्स पढ़ने तो फट से नींद आ जाती है इसका मतलब बुक्स भी कैसा वर्क कर रही है नशे का यानी कि वो इंटॉक्सिकेटिंग सोपोरिफिक है तो यहां पे यही दिखाया गया है द हैड अ सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड चाइल्ड पे सोपोरिफिक इफेक्ट था राइट बच्चों तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हमारा बना है डी क्लियर टू एवरीवन जी बच्चों ठीक है ठीक है ठीक है राहुल अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नंबर टू हिज एलिजियंस टू द पार्टी वोट सस्पेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यानी कि उसकी एलिजियंस पहले से ही सस्पेक्ट थी पार्टी में तो बताइए बच्चों क्या आंसर बनेगा इसका वोट शुड बी द आंसर अगर हम देखें तो वोट शुड बी द आंसर है ओके okay. अगर हम देखें एलिजियंस तो इसको कहते हैं बच्चों लॉयलिटी ये बेसिकली लॉयलिटी कहलाएगी निष्ठा किसी चीज के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए तो हम उसे लॉयलिटी कहते हैं करेक्ट एवरी वन सो दिस बी टेकन एज अ लॉयलिटी करेक्ट एवरी वन

टेरिबल डिजास्ट्रस या बच्चों बेनिफिशियल होता है कि आप उसका सहानुभूति के साथ में कर कर रहे है, evaluation कर रहे हैं, हैं तो has a salutary, मतलब वो आपको करेगा क्योंकि क्यों उसे क्या टेरिबल प्रीमे डिजास्टर्स हुआ है एग्जैक्टली बच्चों बेनिफिट हुआ है तो बेनिफिशियल बनेगा तो सिंपेटिकल्यूटरी इफेक्ट ये बात करेक्ट है बिल्कुल सही है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं हिज़ बैड बिहेवियर इवोक्ट पनिशमेंट तो यहां पे वर्ड है बच्चों इवोक्ट तो बताइए इवोक्ट का मीन्स क्या बनेगा वॉट शुड बी द मीन्स ऑफ इवोक्ट बिल्कुल सही है एकता पिंकी किरण रूबी नीलम बिल्कुल सही है बच्चों आंसर आपके करेक्ट जा रहे हैं बी आंसर होना ओके ठीक है डी होना चाहिए बी होना चाहिए ऑल राइट ठीक है बच्चों ओके ओके राइट बिल्कुल सही है बच्चों कॉल्ड फोर बनेगा देखो हिज बिहेवियर बैड बिहेवियर इवोक्ट पनिशमेंट यानी कि उसने पनिशमेंट को कॉल किया तो कोल्ड फोर बनेगा तो हिज बैड बिहेवियर इवोक्ट पनिशमेंट का है सॉल्ड फोर एक तरह से न्योता देना इनवाइट करना है ना तो ये कोल्ड फोर बन जाएगा तो आंसर बनेगा बच्चों बी तो इक का मीन समझ सकते हैं किसी चीज को कॉल करना आगे देखेंगे ही द कोर्ट ही द कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर फॉर फिफ्टी सिक्स इंडिजेंट डिफेंडेंट्स तो देखो डिफेंडेंट्स का मीन इंडिजेंट डिफेंडेंट आपको इंडिजेंट का यहां पर मीन बनाना है इंडियन मैन पुअर अनट्राइड या बच्चों गिल्टी क्या बनेगा इन डिजेंट वोट शुड बी द आंसर आंसर हमारा क्या होना चाहिए ऑल राइट बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे कुछ सी कर रहे हैं ठीक है गुड वेरी गुड बिल्कुल बच्चों इसका आंसर बनेगा हमारा बी फॉर बॉम्बे पुअर इंडिजेंट का है पुअर तो ही वॉज द कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर फॉर 56 सिक्स इंडीजेंट डिफेंडेंट का मीनस है पुअर से तो पुअर का मीन्स इंडिजेंट से होगा अगला क्वेश्चन है द बॉय सेट दैट पेन हैड अबेटेड एबेटेड बच्चों अगर आपको याद हो एबेट मैंने वर्ड आपको बताया था एबेट का मीन एब अगर कोई खाना शुरू कर दे अपने अगर अपने एब खाना शुरू कर दे तो इसका मतलब एब बढ़ जाएंगे या बच्चों कम हो जाएंगे बताइए आप अपने आप जी बिल्कुल ठीक है नीलम तो क्या बनेगा बच्चों बताइए वॉट वुड बी द आंसर देयर सी अच्छा देखो अबेट का मीन्स है एब को अगर हम ऐड करना शुरू कर दे खाना शुरू कर दे तो बच्चों कम हो जाएंगे ना रिड्यूस्ड होगा बिल्कुल सही है आंसर ए जाएगा आपका द बॉय सेड दैट द पेन हैड रिड्यूस्ड इसका मीन अबेटेड करेक्ट बच्चों ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आपका आ गया ही बिकेम नोन एज एन इम्प्लिकेबल एज एन इम्प्लेकेबल फोर ऑफ द फंडामेंटलिज्म तो इम्प्लेकेबल फोर ऑफ द फंडामेंटल इम्प्लेकेबल का आपको मीन्स बताना है रिलेंटलेस प्लेजिंग डेंजरस या बच्चों क्रेजियस क्या बनेगा इम्प्लेकेबल का मीन्स बच्चों क्या बनेगा आपका बताइए ए आंसर दिया है ओके ठीक है सभी बच्चे आंसर करें इम्प्लेकेबल वुड शुड बी द इम्प्लेकेबल यस yes, बच्चों क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू वॉट शुड बी द डी आंसर दे रहे हैं ओके ठीक है करीजियस ओके ओके डी सी डेंजरस देखो प्लेकेबल अगर मैं बच्चों इस वर्ड को देखू प्लेकेबल तो प्लेकेबल होता है शांत है ना इम्प्लेकेबल क्या हो जाएगा अशांत यानी कि जिसको शांत ना किया जा सके तो बच्चों प्लीजिंग रिलेंटलेस डेंजरस तो आंसर ए बनेगा बच्चों ए रिलेंटलेस है ना पर्सन वुड बी रिलेंट है इंप्लेकेबल का रिलेंटलेस से जो शांति से ना बैठे बिना शांति का हो जाए वो उसे करना चाहे क्वेश्चन नंबर एट पे जाएंगे द क्वीन वॉज अवेयर ऑफ द इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड्स तो बताओ इंसोलेंट का मीन बच्चों क्या बनेगा देखो दो वर्ड होते हैं एक होता है इंसोल्वेंट इंसोल्वेंट होता है जो पर्सन दिवालिया हो जाए दिवालिया इंसॉल्वेंट कहते हैं लेकिन यहां पे वी नहीं है इसका मीन्स है इंसोलेंट तो इसका मीन्स क्या बनेगा बच्चों अनसिविलाइज कैसा पर्सन अनसिविलाइज असभ्य तो असभ्य बनेगा तो बताओ इनमें से कौन सा निकालेंगे वॉलेंट निकालेंगे बच्चों पोलाइट निकालेंगे फ्राइवल या इंसल्टिंग आंसर कीजिए सी एग्जैक्टली exactly बच्चों सी बनेगा इंसल्टिंग बनेगा मतलब देखो मैंने बताया इंसोलेंट इंसोलवेंट का है दिवालिया जबकि इंसोलेंट में वी नहीं है इसका होता है असभ्य तो असभ्य होगा तो इसका मतलब क्या बनेगा इंसल्टिंग तो आंसर हमारा सी बन जाएगा बिल्कुल सही है बच्चों अब देखो कुछ आपके लिए वर्ड्स हैं जैसे क्रास वर्ड है बताओ क्रास का मीन्स होता क्या है क्रास का मीन कैजुअल है कॉर्स है बच्चो स्ट्राइल है या फिर स्टूपिड है अगर हम एक वर्ड देखें क्रास तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा वेदर इट शुड बी कैजुअल कॉर्स स्टोपेड या फिर स्ट्राइल ठीक है बिल्कुल फैजन डी आंसर आप कह रहे हैं स्ट्राइल ओके okay, रूबी ने सी कहा स्टोपेड देखो बच्चों, आपने सुना है ना वर्ड हम कहते हैं कोई किसी पर्सन को रास्कल हम उसे कहते हैं रास्कल है तो तो देखो रास रास से क्या बन गया ऐसे बना लो रास से क्या बन गया बच्चों बेकार सी सी रे, आ, सी क्रास क्रास बन गया तो ये स्टूपिड हो गया अगर हम क्रास को देखें तो बच्चों इसका मीन स्टूपिड से होता है गेटिंग एवरी वन तो क्रास का मीन्स है स्टूपिड या ऐसे कह लो सी आर ए डबल एस ऐसा ऐसा सी आर जो एस जैसा हो एस जैसा होगा तो बच्चों कैसा होगा स्टूपिड होगा ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको तो सीआरएडब्ल्यूएस क्रास का मींस है स्टूपिड अगले वर्ड पे आते हैं कर्सरी आप जानते हैं कर्सर होता है ये जो मेरे हाथ में कर्सर है कर्सर की तरह से पेन वर्क कर रहा है तो बताओ कर्सरी क्या होगा लिटिल क्विक ईगर या फिर टेंडर इससे सोच के बताइए स्ट्राइल का मींस देखे तो ऐसा होता है जिसमें लाइक जम्स वगैरह ना हो उसे स्ट्राइल कहते हैं बैरन जो हो जाए बंजर जिसे कहते हैं बंजर ठीक है एक ता? ओके ओके बच्चों बिल्कुल ठीक है गुड देखो कर्सरी का मीन्स क्विक से होता है बच्चों क्विक बिल्कुल सही है बी कर्सरी का मीन्स क्या होता है क्विक क्विक से से कर्सरी निगाह निगाह डालना डालना इस तरह जिसे हम क्विक कहते हैं तो वो कर्सरी का मीन क्विक से जाता है एग्जैक्टली exactly. जी बच्चों क्विक से जाएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब आप देखो आपके लिए इडियम्स फ्रिजेज है सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेगर्स डेस्क्रिप्शन सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेगर्स डेस्क्रिप्शन तो बच्चों बताओ बेगर्स डेस्क्रिप्शन का मीन्स क्या बनेगा बियॉन्ड द पावर ऑफ डेस्क्रिप्शन बैग फॉर डेस्क्रिप्शन डेस्क्राइब बेगर या फिर डेस्क्रिप्शन ऑफ अ बैगर क्या आंसर बनाएंगे आप इसका ओके okay, ओके okay. आंसर होना चाहिए बिल्कुल सही है बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं प्रीति किरण अंजू सृष्टि बिल्कुल सही है पिंकी

कंफ्यूज प्लीज या एंक्शियस सस्पेंस आप खुद बताओ जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो आप कैसी लुक्स में होते हो उस दिन किस तरह के मूड में होते हो डी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है सृष्टि दीपा अंजू ज्योति बहुत अच्छे बच्चों नीलम सृष्टि बहुत अच्छे किरण नीतू एकता वेरी गुड मतलब कहने का यह है कि आ, आप एंशियस रहते चिंतित रहते हैं भयंकर रूप से चिंतित रहते सस्पेंस में रहते क्या होगा तो टेंडर हुक्स का मीनस है एंक्शियस सस्पेंस करेक्ट बच्चों अगले वर्ड पे आते हैं क्वेश्चन है हमारा इट्स अ पिटी दैट अवर पॉलिटिशियंस आर मोर इंटरेस्टेड इन द लोव एंड फिशेस लॉव एंड फिशेस देन विद द द अपलिफ्ट ऑफ पुअर तो आपको लोव एंड फिशेस का मीन्स बताना है ब्रेड एंड बटर काइंड ऑफ फिशेस वर्ल्डली बेनिफिट्स या बच्चों मीन्स ऑफ पावर तो बताइए क्या बनेगा लोव एंड आप सब बच्चों को पता है ब्रेड एंड बटर का मीन्स आजीविका से होता है हमारी जो लिविंग होती है उससे होता है लेकिन अगर हम लोव एंड फिशेज की बात करेंगे उसका मींस किससे बनेगा सी आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है, ये बटो है हमें सांसारिक सुख या बेनिफिट्स मिल जाएं यही लोव एंड फिशेस होता है लोग खाते हैं नीचे आ जाते हैं फोर्टीन नंबर इलोकेंट लेटेशन इलोकेंट लेटेशन रिगार्डिंग द्लोरा एंड फोना आर सर्टेन टू बी रेंडेड एज ए क्राई इन द वाइल्डरनेस देखो बच्चों वाइल्डरनेस वाइल्ड क्या होता है वाइल्ड होता है जंगल एक तरह से तो जंगल बहुत बड़ा है अगर आप उसमें चिल्ला भी रहे हैं क्राई भी कर रहे हैं तो क्या कोई सुनेगा तो बिल्कुल नहीं सुनेगा अब इसका आंसर करो अ क्राई इन वेन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन या फिर क्राई विद अ लाफ्टर या क्राई हैविंग नो एंड क्या बनेगा बच्चों? बी आंसर ए आंसर ओके okay, ज्यादातर बच्चों का ए है बिल्कुल सही है बच्चों आंसर ए बनेगा अ क्राई इन वेन अ क्राई इन वेन मतलब बेकार में क्राई करना क्योंकि उसे कोई सुनेगा नहीं उसका कोई आंसर नहीं आएगा तो इट वुड बी क्राई तो क्राई इन द वाइल्डनेस का मतलब है क्राई इन द जंगल वुड बी अ क्राई इन वेन समझ पा रहे हैं सब बच्चे तो आंसर बच्चों आपका ए बनेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंडिया कैरीड द डे बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन हॉकी सीरीज तो कैरीड द डे का आपको आज बच्चों आंसर बताना है वो डू यू मीन बाई कैरीड द डे ठीक है जी ठीक है थैंक यू फैजन जी बच्चों बताएंगे आंसर करेंगे 15 नंबर का कैरीड द डे सी आंसर एग्जैक्टली बच्चों अगर हम कैरी द डे करते हैं यानी कि दिन को ले जाते हैं अपने साथ इसका मीन से हमने विन कर लिया है हम जीत गए हैं करेक्ट बच्चों तो आंसर बनेगा सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज लिंच लो आपने बच्चों बहुत सुना होगा लिंचिंग है ना मोबलिंचिंग कहते हैं उसको कहते हैं मोबलिंचिंग लिंचिंग का मीन्स होता है खत्म कर देना मार देना किसी को है ना मोब के मोब के द्वारा तो मोबलिंचिंग कहते हैं वहां पे पता नहीं चल पाता किसने किसको मारा तो यही लिखा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी लिंच लो सीम्स टू हैव बिकम अ कॉमन फीचर इन ऑल ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर तो क्या बच्चों लॉ ऑफ पार्लियामेंट लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ मॉब या फिर अंडरवर्ल्ड सी बनाएंगे एग्जैक्टली exactly. ये बच्चों सी होता लॉ ऑफ द मॉब क्योंकि लिंचिंग जो होती है वो मॉब के थ्रू होती है ये पता नहीं चलता कौन कहां से किस तरह से मार रहा है और कौन लोग थे इसको लिंचिंग कहा जाता है ये वर्ड बड़ा ही मशहूर है इस समय इंडिया में हम देख सकते हैं अगले पे आते हैं बच्चों सेवेंटीन नंबर इंडिया मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी सुपर पावर एट द बैक एंड कॉल देखो क्या लिखा है एट द बैक एंड कॉल एट द टाइम ऑफ अटैक यानी कि अटैक के समय पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी सुपर पावर को तो बताओ क्या एट द सर्विस के लिए आस्क फॉर सर्विस कॉल टू हेल्प या एट द बैक ऑफ -oh. बताइए बच्चों क्या आंसर बनेगा हां जी बिल्कुल सही है ज्योति ये एट द सर्विस ऑफ बनेगा बच्चों एट द सर्विस है ना मतलब कि एक तरह सेवा में होना इंडिया मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी सुपर पावर सर्विस में होना एट द टाइम ऑफ अटैक्स ठीक है तो एट बैक एंड कॉल का मीन है बच्चो ये यानी कि जो आए हमें हमारी कॉल पे बैक भी करे उसको हमको आंसर क्या करेंगे सर्विस क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं द प्रिंसिपल प्रोवोक्ड टू बी कम प्रूव टू बी मतलब कि वो सिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ वेट ब्लैंकेट एट दार्टी ऑफ द स्टूडेंट तो बच्चों बच्चों बताओ वेट ब्लैंकेट क्या बनेगा डिस्क्रेज फ्रॉम एंजोइंग डैम्प क्लॉथ ब्लैंकेट वेट इन द रेन या फिर कोल्ड ब्लैंक अगर हम कह दें कि प्रिंसिपल क्या साबित हुआ स्टूडेंट्स की पार्टी के लिए वेट ब्लैंकेट तो बच्चों क्या एने का बिल्कुल ही वो रोक देगा सबको तो डिस्करेज फ्रॉम एंजॉइंग आके बीच में बैठ गया बच्चे नाच भी नहीं पा रहे हैं मस्ती नहीं कर पा रहे हैं ना? तो डिस्करेज फ्रॉम एंजॉइंग वेट ब्लैंकेट कहलाता है इन द पार्लियमेंट्री क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बच्चों देखेंगे आप लोग इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर इज एट हेम ऑफ नेशनल अफेयर देखो एच ई एल एम हेम ऑफ नेशनल अफेयर क्या कहलाता है इसका मीन्स क्या होता है इन द मेन पोजिशन इन द सेंटर सेंटर ऑफ एट्रैक्शन या बच्चों हेम ऑफ द बोट वॉट शुड बी द आंसर आंसर हमारा बच्चों क्या बनेगा जी वोट शुड बी द आंसर बी कह रहे हैं बच्चे कुछ बच्चे ए भी कह रहे हैं ओके गुड वेरी नाइस ओके ओके सभी बच्चे बढ़िया से आंसर करें करेक्ट बच्चों देखो अगर मैं कहूं आपसे तो ऑब्वियसली दिस वुड बी दिस वुड बी द इन द मेन पोजीशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर इज द एट द हेम ऑफ द नेशनल अफेयर के मेन पोजीशन में होता है सब कुछ जो चाहता है वो ही करता है है ना बाकी और सब देखते रहते हैं जैसे राष्ट्रपति को हम देखें इंडिया में देखें तो बच्चों क्या रबर स्टैंप है में में कौन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं बच्चों द अराइवल ऑफ द मदर इन लॉ इन द फैमिली मदर इन लॉ इन द फैमिली प्रूव्ड और रिप्ट इन द ल्यूट तो बताओ बच्चों क्या बनेगा हाँ इस पे मैं एक छोटा सा वो सुनाता हूं आपको अभी अभी तीसरी लहर की बात हो रही थी उसमें एक बच्चा कहता है मतलब मतलब हज बाप और बेटा बाप और बेटा सास बहू को समझा के बैठे ही थे बाप बेटा बहू और सास को समझा के ही बैठे थे तभी बच्चे की नानी आ गई तो बच्चा एकदम से चिल्लाया तीसरी लहराई तीसरी लहराई तो समझ जाओ मदर इन लॉ क्या होती है डिसिप्लिन है तो एटमोस्फेयर या अननेसेसरी वरीज uh, या, या फिर अनप्लीजेंट प्लिजेंट एटमोसफेयर हाँ तीसरी लहर आई बिल्कुल सही है तो आंसर बच्चों ए बनेगा ना ए बनेगा डिसहारमनी कर देगी वो जहां भी आएगी वहां पे डिसहारमनी बना देगी समझ रहे हैं सब बच्चे तो वो बच्चों बेसिकली क्या करेगी डिसहारमनी तो रिप्ट इन द ल्यूट मैं आपको बता दूं एक बार और सुनो रिप्ट जो होती है बच्चों ये होती है खाई और ल्यूट अगर मैं कह कहूं ये होता है क्या ल्यूट होता है आपका एक आ, मतलब इसको कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ल्यूट में खाई बना देना इसका मतलब क्या हुआ डिसहारमनी क्योंकि वो फिर बजा नहीं पाएंगे आप ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं तो आंसर बच्चों ए जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देखो इक्कीस नंबर से आपका शुरू हो गया वन वर्ड वन वर्ड का मतलब है बच्चों यहां पर आपको देखना है क्या फाइंड आउट करना है महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम है ना तो ये क्या कहलाएगी समरी स्टोरी नरेशन या एपिक हां जी बच्चों बिल्कुल सही है नहीं इसमें सी नहीं बनेगा बेटा एपिक बनेगा एग्जैक्टली इट इज एपिक एपिक का मीस होता है बच्चों हिंदी में महाकाव्य क्या कहते हैं हम इसको महाकाव्य तो ये आंसर भी नहीं। अब आते हैं महाकाव्यू पे अ पर्सन हु कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक मतलब वो जो एल्कोहलिक ड्रिंक होती है एल्कोहल से बिल्कुल अलग हो जाता है दूर रहता है एबस्टेन का मीन्स होता है त्यागना छोड़ देना त्याग कर देना तो बच्चों से क्या कहते हैं टिटोटेलर वर्डिक्ट डायलेक्ट एनक्रीमेट्री या सबजंक्टिव ए बिल्कुल सही बच्चों ने बताया डिटो टेलर यानी कि टीटू टेलर कभी नहीं पीता टीटू टेलर कभी नहीं पीता बाकी सारे टेलर पीते हैं ऐसे याद रख लेंगे टिटो टिटो टेलर कभी नहीं पीता है राइट बच्चों हमें याद हो गया पर्सन हु फ्लाइज अ सूट हु फाइल्स अ सूट एक ऐसा पर्सन जो सूट को फाइल करता है बच्चों से हम क्या कहते हैं फाइंड आउट पर्सन हु फाइल्स अ हुएंगे पेंटिप कहेंगे, कहेंगे स्वीटर कहेंगे या फिर बच्चों हम कहेंगे एक्यूज बहुत ध्यान से आंसर देना स्वेटर बेसिकली वो होता है जिसपे सूट किया जाता है ए आंसर डी आंसर ओके ठीक है ए यहां पे लिखा है जो फाइल सूट करता है उसे प्लेटिप कहते हैं बच्चों ध्यान से देख लो वरना तो हमें एक्यूज या फिर स्वेटर या चार्जर लगेगा आंसर सी है प्रीति बिल्कुल ठीक है करेक्ट अंजू एकता तो आंसर बच्चों जी पिंक के बिल्कुल ठीक है प्लेटिप का मीन होता है प्लेटिव वो पर्सन है जो सूट को लगाता है फाइल करता है तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहां पे सी करेक्ट बच्चों अगला क्वेश्चन टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जम्स जम्स से कुछ चीजों को फ्री करना अभी देखो आपने ऐसा वर्ड देखा भी था कॉटेराइज स्टरलाइज एंटीवायरस या एंटीसेप्टिक क्या बनेगा जी बी बनेगा बिल्कुल सही है बच्चों करेक्ट अंजू ज्योति रीना रविन बहुत अच्छे बच्चों स्टरलाइज का मीन्स होता है है ना स्टरलाइज का आपने देखा ना डॉक्टर क्या करता है जो निडल होती है या फिर उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सबको क्या करता है वो खोलते हुए पानी में डालता है गर्म पानी में डाल देता है उसके बाद उनको निकालता है और फिर उनको यूज करता है इससे वो स्टरलाइज करता है उसको जर्म रहित करता है है ना इसको जर्म रहित कहते हैं और स्टरलाइज का वैसे अगर हम जमीन के रूप में देखें तो बच्चों बैरन बन जाएगा अनुपजाऊ क्योंकि उसमें जब कुछ रहा ही नहीं तो उसमें उपजेगा क्या तो वो बैरन कहलाती है अनुपजाऊ लेकिन यहां पे स्ट्राइल का मीन हो गया ए, फ्री फ्रॉम जम्स जम्स फ्री बिल्कुल ठीक है बच्चों अगला वर्ड है आपका ट्वेंटी फाइव द डिपोजिट्री वेयर स्टेट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व जैसे भाई आप देखो हमारा स्टेट है यूपी है ना स्टेट यूपी के बहुत सारे बनते हैं बजट बनता है ये बनता है लॉ बनता है तो उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहा प्रिजर्व किए जाते हैं कहां रखे जाते हैं

यानी कि अभिलेखों की रक्षा के लिए जो गार बनाया गया हो घर बनाया गया हो जगह बनाई गई हो वो हमारी आर्काइव कहलाती है आरकाइव कहते हैं इसको अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है बर्ड्स को रखा जाता है बच्चों क्या कहते हैं एवियरी कहते हैं एक्वेरियम कहते हैं पियरी कहते हैं है, है या हाउस कहते हैं आंसर करेंगे सब बच्चे ए आंसर जाएगा बहुत अच्छे बच्चों क्योंकि बर्ड जो उड़ती है वो कहती है वी कि मैंने मैं उड़ गई मेरी विक्ट्री हुई तो एवियरी लेकिन बी जो होती है वो कहती है आजा मेरा शहद पी देखो बी वी और बी, पी का फर्क है हम शहद पीने लगते हैं वो काट लेती है तो कहे में रहती है एपियरी छत्ता कहते हैं इसको और इसी को बच्चों हाई भी कहते हैं बी हाई छत्ता गें समझ में आ गया तो ये आंसर बनेगा हमारा ए ए आंसर बन जाएगा क्योंकि बर्ड्स के लिए स्पेशली अगर हम देखेंगे तो बच्चों क्या बनेगा हमारा ये हमारा बनेगा बेसिकली एवियरी इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एर एक ऐसा पर्सन जो एरर्स ना बना सकता हो इनकेपेबल हो जाए एरर बनाने के लिए उसे क्या कहते इनफॉलिबल इनकोबल इन एक्सप्लेबल या इन पर आंसर ओके ओके छब्बीस का ए मिल गया बच्चों एक्वेरियम फिश के लिए बिल्कुल सही है नीलम तो बच्चों आंसर दीपा ने ए आंसर बना दिया इनफोलिबल ये बच्चों बिल्कुल सही है इनफोलिबल पर्सन कभी गलती नहीं करता है इसे कहते हैं जबकि फोलिबल अगर मैं कह दू फोलिबल गलती करता है करेक्ट बात है लेकिन इनफोलिबल अगर हम देखें तो हो कौन सकता है बच्चों गोड हो सकता है क्योंकि गोड ही ऐसा है जो गलती नहीं करता कभी और इसी वर्ड को हम कहते हैं मेटिकुलस मेटिकुलस सब बच्चों ने पढ़ा है वर्ड इसका सिनोनिम मेटिकुलस बन जाएगा मेटिकुलस का मीनस है गलती से बचा हुआ या गलती ना करने वाला मेटिकुलस जैसे मदर फादर हमारे लिए हमेशा कैसे होते हैं मेटिकुलस ट्वेंटी एट देखेंगे बच्चों लेट अस सी वर्ड नंबर ट्वेंटी एट तो चेक करते हैं ट्वेंटी एट को गवर्न बाई ए सेंस ऑफ ड्यूटी मतलब जो पर्सन गवर्न किया जाता हो सेंस ऑफ ड्यूटी से मतलब उसे पता है कि ड्यूटी इज द बेस्ट वो ही उसे गवर्न करती हो ट्वेंटी एट का आपने क्या पता है डी बिल्कुल सही है कॉन्सियंशियस है ना सो कॉन्सियंशियस हमारा क्या होता है हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी यही हमारे गवर्न तो करती है तो पर्सन क्या कहलाएगा कॉन्सियंशियस करेक्ट बच्चो तो आंसर आपका डी बनेगा बहुत अच्छे अब हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों ट्वेंटी नाइन एन असेंबली ऑफ वर्सिपर्स वर्सिपर्स की असेंबली यानी कि एक तरह से कह दूं भक्त मंडली बच्चों इसको भक्त मंडली कहेंगे बताओ क्या बनेगी कॉन्फ्लेग्रेशन कॉन्फ्रंटेशन कॉन्ग्रीगेशन या कॉन्फिग्रेशन क्या आंसर देंगे आप लोग कॉन्फिग्रेशन कॉन्फ्रंटेशन कॉन्फ्लेग्रेशन या फिर कॉन्ग्रीगेशन ओके डी आंसर दिया कॉन्फ्रंटेशन बच्चों ए आंसर बने कॉन्ग्रीगेशन देखो इसको मैं समझा देता हूं आपको कॉन्ग्रीगेशन ग्रीगेशन है ना समझ लेंगे सब बच्चे कॉन का मीन्स होता है बच्चों समान सब बच्चों ने पढ़ रखा जाए कॉन्सेंट्रिक कहते हैं एक सेंटर वाले कॉन्सेंट्रिक है ना तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्रीगेशन अब देखो इसमें वर्ड है ग्रेग जी आर ई जी ग्रेग का मीन्स होता है बच्चों समूह ग्रुप इकट्ठा ग्रेग जहां भी आ जाए तो देखो कॉन्ग्रे कॉन्ग्रीगेशन इसे कांग्री गेशन कहेंगे तो ग्रेग का मीन समूह से हो गया एक समूह को बनाने वाले है ना और ये बेसिकली में होते हैं बच्चों ये होते हैं हमारे किसी रिलीजन में तो ये बेसिकली किस रिज... रिलीजन में है क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी में होता है ये कॉन्ग्रीगेशन इसको कहते हैं भक्त मंडली करेक्ट बच्चों अब देखो ग्रेग से और वर्ड देखेंगे जैसे मैं कहता हूं आपको जैसे मैं कहता हूं आपको ग्रीगेरियस सब बच्चे देखेंगे ग्रीगेरियस समूह में रहने वाला समूचर जैसे गाय भैंस एक्सेट्रा सारे के सारे समूह में रहते हैं ग्रेग आपने सुना होगा वर्ड, वर्ड एग्रीगेट एग्री एग्रीगेट बोलो सुना है कि नहीं तो एग्रीगेट ग्रेग ग्रेग का मीन टोटल तो इसको कहते हैं टोटल का होना एग्रीगेट का मीन बच्चों टोटल इसी तरह से बहुत सारे वर्ड बनते हैं ग्रेग हम उसे कहते हैं ग्रेग का मीन एक तरह से ओके थर्टी का बी आप कह रहे हैं हाँ बच्चों देखो थर्टी को पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ जो बस अपने साथ रहता है अपने लिए रहता है उसे क्या कहते हैं मॉन्क एक्सट्रोवर्ट प्रॉफिट तो आंसर बच्चों से सन्यासी। इसे कहते है बच्चो, सन्यासी। अगर आपको याद हो रेक् वर्क किसका था यह बताइए हु हैड रिटर्न बाई द नेम द वर्क द रेक्ल्यूज बताइए किसने लिखा था बिल्कुल सही है बच्चो बी आंसर जाएगा बहुत अच्छे नीलम प्रीति प्रियंका रीना वर्ड्स वर्थ हीना वे बहुत अच्छे रीना रीना और हीना दोनों ने बता दिया है तो ये बच्चों हमारा वर्ड्स वर्थ का वर्क है याद आ गया वर्ड्स वर्थ ने कहा था द रेक् के अंडर में हम क्या क्या बनाएंगे एक्सकर्शन और प्रिल्यूड याद आ गई बात आपको तो ये रेक्ल्यूज कभी बनी नहीं थी अनफिनिश्ड वर्क था वर्ड्स वर्थ का एग्जैक्टली exactly बच्चों बहुत अच्छे देखो तैयारी बढ़िया हो रही है सब बच्चों की वेरी गुड मुझे अच्छा लग रहा है है ना नाम ऊंचा करेंगे सब बच्चे आई नो दैट करेक्ट बच्चों तो नाम ऊंचा ही करना है जबरदस्त है ना छोटी सी हमारी अप्रोच ही हमें अगर जिता दे तो क्या बात हो तो चलो बच्चों आज का वर्क मेरे ख्याल से इतना ही है थर्टी हमारे वर्ड्स हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को आप कहां से टेलीग्राम से है ना और बच्चों ट्राई एंड लर्न में आज का वर्ड है आपका एनवीसीज कौन सा वर्ड है आपका तो इसको आपको देखना है का क्या होता है नीड टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे बच्चों ठीक है जी जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल रूबी मैं भी यही चाहता हूं सभी बच्चे नाम रोशन करें और मजा आ जाए फिर बात में क्योंकि आपका सिलेक्शन ना मतलब मुझे भी एक बहुत अच्छा एक जर्क कहते हैं एक जंप देगा बिल्कुल हंड्रेड परसेंट ना आशीर्वाद साथ है सभी बच्चों के लिए ठीक है बच्चों तो इसका आंसर करेंगे सब बच्चे और फिर मिलते हैं इवनिंग में आज सेवन ओ क्लॉक और कल अगेन एट फिफ्टीन पे थैंक यू सो मच बच्चों हैव अ ग्रेट टाइम